आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है। इसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। आयुर्वेद समाधान के नुस्खे पूरे संसार के लोगों को बेहद पसंद आ रहे हैं। वो हमें ईमेल के जरिए अपने प्रश्न भी भेज रहे हैं और हमारे वैद्य उनकी समस्याओं का समाधान भी बता रहे हैं। दोस्तों, आज हम पेट दर्द के कारणों, उनके उपचार और बचाव की पड़ताल करने जा रहे हैं। पेट में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। आयुर्वेदाचार्यों की माने तो दूषित पानी, खाने का समय ना होना और बाहर के खाने को तवज्जो देना, पौष्टिक आहार से दूरी बनाए रखना, शराब का सेवन करना, फास्ट फूड और जंक फूड पर निर्भर रहना, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स, मिर्च मसाला, तली भुनी हुई चीजों का ज्यादा सेवन करना, ये कुछ ऐसी वजह हैं जिससे पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कई बार जठर के रोग, पेट में अल्सर, छोटी बड़ी आंत में सूजन के कारण भी पेट में तेज दर्द होता है। केवल इतना ही नहीं, मसालेदार भोजन, लहसुन, टमाटर, जूस, खट्टे फल आदि का अधिक मात्रा में सेवन पेट में जलन का कारण साबित होता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेट की सफाई कैसे करें ताकि आपके पेट में दर्द हो ही ना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पेट की सफाई कैसे रखें। पेट दर्द की समस्या वाले नींबू की फांक के ऊपर काला नमक, काला जीरा तथा काली मिर्च का थोड़ा सा चूर्ण डालकर धीरे धीरे चूसें। साधारण रूप से पेट में दर्द होने पर 4 ग्राम पुदीने में आधा आधा चम्मच सौंफ मिलाकर उसमें थोड़ा सा काला नमक और 2 रत्ती हींग डाल लें। सबको पीसकर चूर्ण बनाकर गर्म पानी से फांक लें, आपको फायदा जरूर मिलेगा। सौंफ, जीरा तथा सेंधा नमक पीसकर गर्म पानी के साथ सेवन करें, पेट दर्द में आराम मिलता है। जब पेट दर्द हो तो 1 चम्मच नींबू और अदरक का रस मिलाकर धीरे धीरे चाटें। पेट का दर्द आपको परेशान कर रहा है तो आधा चम्मच लहसुन का रस पानी में मिलाकर पिएं, आराम मिलेगा। तुलसी के पत्ते का रस आधा चम्मच, अदरक का रस 1/4 चम्मच, दोनों को मिलाकर गुनगुना करके पिएं, लाभ जरूर मिलता है। 2 चुटकी काला नमक, 10 लौंग, आधी चुटकी हींग, तीनों को पीसकर 2 खुराक बना लें। इसे सुबह शाम सेवन करें, ऊपर से गुनगुना पानी पिएं। नारियल के पानी में सेंधा नमक डालकर पिएं। पेट दर्द के लिए अनार के छिलकों का चूर्ण बना लें और आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ लें। नारियल पानी गैस की समस्या में काफी प्रभावकारी होता है। गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए खाना खाने के बाद अदरक के टुकड़ों को नींबू के रस में डुबोकर खाएं, क्योंकि अदरक में पाचन एंजाइम्स होते हैं, इसलिए गैस में आपको आराम मिलेगा। पेट की सूजन को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पेट में सूजन के शिकार लोग शराब पीना छोड़ दें। भोजन के बाद अजवाइन में काला नमक मिलाकर खाने से पाचन एकदम दुरुस्त हो जाता है और सूजन भी नहीं होती। फिर पेट दर्द में क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आपको पेट दर्द की समस्या है तो कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन मत कीजिए। जो चीज ज्यादा मीठी है या जिसमें ज्यादा अधिक मात्रा में चीनी मिली हुई है, उसे पेट दर्द में नहीं खाना चाहिए। कच्चे फल और सलाद जो कटा हुआ हो उसे ना खाएं और साफ पानी पिएं। पेट दर्द की समस्या में अपने शरीर को आराम दें। ज्यादा घूमने की कोशिश मत कीजिए। ज्यादातर पेट दर्द की समस्या खाना खाने के नियम में बदलाव की वजह से होती है, इसलिए समय पर और सही खाएं। कोशिश करें कि मसालेदार और फैट वाले भोजन से दूर रहें। यही नहीं, यदि आप कैफीन, शराब और कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं, उन्हें भी अपनी इस चाहत को दूर रखना चाहिए। तो आप आज ही सावधान हो जाइए और अपने खान पान में आयुर्वेद समाधान के इस नुस्खों को शामिल कर लीजिए और बन जाइए चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त। आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है। इसमें बताए गए नुस्खे एक्सपर्ट की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने और आयुर्वेद और प्रकृति में छुपे गहरे राज जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद समाधान।